Okay, so we have seen certain general exceptions. We saw insanity, intoxication, minority as defense, those things we saw. Now in this video, we will see mistake of fact and mistake of law as general exceptions as it is provided in IPC. So it's important topic which we need to understand that what is mistake of fact and what is mistake of law. So first we need to understand that ignorance of fact, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज वैलिड एक्सक्यूज विच कैन बी टेकन. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज वैलिड एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट वैलिड एक्सक्यूज. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू नो. नाउ वी नीड टू नो दैट वॉट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड वॉट इज मिस्टेक ऑफ लॉ. सो फर्स्ट वी विल सी दैट वॉट डू यू मीन बाई मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? सो मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स कि अ मिस्टेक ऑफ लॉ अकर्स व्हेन अ पर्सन हैविंग फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स कम टू रॉन्ग कंक्लूजन एज टू देयर लीगल इफेक्ट. सो अ मिस्टेक ऑफ लॉ तब होता है, अ मिस्टेक ऑफ लॉ अकर्स व्हेन अ पर्सन हैविंग फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स कम टू रॉन्ग कंक्लूजन एज टू देयर लीगल इफेक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि अ पर्सन इज सेइंग दैट ही इज नॉट अवेयर अबाउट दिस लॉ, ही डज नॉट नो दिस लॉ. सो ही हैज डन सर्टेन फैक्ट्स, ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट एंड नाउ ही इज सेइंग दैट आई डू नॉट नो द लॉ. नाउ इफ अ पर्सन इज सेइंग लाइक दिस कि आई वॉज अवेयर दैट वॉट फैक्ट्स एग्जिस्टेड बट आई वॉज नॉट अवेयर दैट डूइंग दिस विल अमाउंट टू एनी ऑफेंस बिकॉज आई नेवर न्यू दैट दिस लॉ वॉज इन एग्जिस्टेंस. Now this is not valid exception, this is not valid defense, this cannot be considered as valid defense in criminal law because it is supposed that everyone is aware about law and all know law. और तुमको ये समझ आएगा कि already exception दिया गया है कि जो insane है उनको नहीं मिलता है punishment, जो 7 साल से कम का minor है उसको नहीं मिलता है punishment, 7 से 12 साल वाले का maturity देखते हैं, जो involuntarily intoxicate हुआ है उसको भी punishment नहीं मिलता है. बट अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, अगर आप इंसेन नहीं हैं, आप माइनर नहीं हैं, आप इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड नहीं हैं, देन यू कैन नॉट से दैट आई डू नॉट नो द लॉ. बिकॉज अगर ये हर कोई ये डिफेंस लेने लगे कि आई डू नॉट नो द लॉ, देन हाउ विल यू पनिश एनी वन? देन किसी को भी आप अरेस्ट करेंगे वो बोल देगा आई डू नॉट नो द लॉ. तो आप कैसे पता करेंगे कि उसको लॉ सच में मालूम था या नहीं था? हाउ कैन यू नो दिस? सो देर विल बी नो मैकेनिज्म टू पनिश एनी वन. सो होल सिस्टम विल कोलैप्स इन दैट केस. सो लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट दैट इफ लॉ इज इन एग्जिस्टेंस देन इट इज सपोज दैट यू नो लॉ. इफ यू आर सेइंग दैट यू डू नॉट नो द लॉ देन इट्स नो डिफेंस, इट्स ऑफ नो यूज. यू कैनॉट बी गिवन एनी रिलैक्सेशन ऑन दिस पॉइंट, यू कैनॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ बेनिफिट दैट आई डू नॉट नो द लॉ. यू लॉ इज देयर, यू हैव टू नो द लॉ. सो ऑलवेज रिमेंबर इट दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ और यू कैन कॉल इट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सेप्शन, इट्स मिस्टेक ऑफ लॉ इज काइंड ऑफ नो एक्सक्यूज, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज. मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. नाउ देर कैन बी केसेज, कई बारी क्वेश्चन आते हैं या कई बारी वी थिंक लाइक दैट कि कुछ केसेज हो सकते हैं जहाँ पे किसी इंसान को सच में भी लॉ नहीं पता होता है. बिकॉज लॉ कोई 1, 2, 4, 5 लॉ नहीं है कंट्री में, देर आर वेरियस लॉज, देर आर प्लेफोरा ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉज हैं, अलग 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 फील्ड को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग लॉज हैं. टैक्सेशन लॉ है, आपका क्रिमिनल लॉ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज है, बहुत से लॉज हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लॉ है, हर किसी पे आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लॉ है, स्पेस से रिलेटेड लॉ है, आईटी लॉ है. तो एंड देर आर वेरियस अदर लॉज जो एग्जिस्टेंस में हैं. नाउ सपोज यू कैन नॉट नो ईच एंड एवरी लॉ. नाउ इट्स राइट कि आप प्रैक्टिकली यू कैन नॉट नो एनी लॉ. सो देयर कैन बी केसेज दैट अ पर्सन इज रियली नॉट अवेयर अबाउट एनी लॉ बट स्टिल इफ ही वायलेट्स दैट लॉ एंड इज अरेस्टेड और इफ एनी सैंक्शन इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, इफ एनी प्रोसीडिंग इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, ही कैन नॉट से, ही कैन नॉट टेल दैट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट लॉ बिकॉज आई टोल्ड यू द रीजन दैट इफ इट विल बी डन देन वॉट इट विल अमाउंट टू इज दैट एनी वन कैन देन टेक दिस एक्सेप्शन दैट आई डू नॉट नो द लॉ. Then what will you do with that person? What can you do in that cases? So your whole system will be in question and will be in problem. That is the reason that it's mistake of law is no defense. So you have to know the law. Now also sometimes ये भी होता है in certain cases कि suppose कोई foreigner India में आया है, he is not Indian,
ही इज नॉट इंडियन सिटीजन, वो फॉरेनर है किसी और कंट्री से, ही केम टू इंडिया फॉर एनी पर्पज से, टूरिस्ट टूरिज्म पर्पज और फॉर मेडिकल पर्पज और वॉट एवर। अब वो इंडिया में आता है और वो कोई एक्ट करता है, कोई भी एक्ट करता है, से वो ए नाम का एक्ट करता है, जो ए एक्ट है वो उसके कंट्री में ऑफेंस नहीं है। जिस भी कंट्री से वो आया है, सपोज वो एक्स कंट्री से आया है, ही बिलोंग्स टू एक्स कंट्री एंड ही केम टू इंडिया, सो जो एक्ट उसने किया है उस एक्ट का नाम है ए। तो ये जो ए नाम का एक्ट है वो उसके कंट्री, जिस कंट्री का नाम एक्स है सपोज, वहां पे ऑफेंस नहीं है बट इंडिया में ऑफेंस है। इस तरीके के काफी केसेस हुए हैं जहाँ पे फॉरेनर्स इंडिया में आके कोई एक्ट करते हैं तो क्वेश्चन होता है वेदर दे विल बी गिवन प्रोटेक्शन और नॉट, दे विल। तो आई एम नॉट गिविंग यू द नेम ऑफ द केस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट हाउ इट वर्क। तो अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल दैट वॉट आई एम गिविंग यू, दैट सपोज अ पर्सन इंडिया में आता है, वो एक्स कंट्री को बिलोंग करता है, इंडिया में आके वो एक एक्ट करता है जिस एक्ट का नाम है ए। नाउ दिस एक्ट ए विच ही हैज डन वॉज नॉट ऑफेंस, इट वॉज नॉट एन ऑफेंस उसके एक्स कंट्री में, बट इंडिया में ये ए नाम का जो एक्ट है वो ऑफेंस है। नाउ ही डिड सर्टेन थिंग, अब वो अगर अरेस्ट होता है एंड ही टेल्स टू पुलिस कि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इंडियन लॉ, आई लिव इन माई कंट्री, दैट नेम ऑफ द कंट्री इज एक्स, वहां पे ये पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस नहीं है, वहां पे ये बहुत ही इनोसेंट एक्ट है, नॉर्मल एक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई नेवर थॉट कि ये ऑफेंस इंडिया में होगा बिकॉज मेरे कंट्री में नहीं है, एंड आई एम लिविंग इन माई कंट्री फॉर पास्ट 40 ईयर्स एंड आई एम डूइंग दिस एक्ट डेली, बट इट्स नॉट एन ऑफेंस, सो आई वॉज नॉट अवेयर कि ये यहाँ पे ऑफेंस है, एंड आई केम टू इंडिया फॉर 3 डेज, 3 डेज और 5 डेज, सो आई कैन नॉट नो ऑल द लॉज ऑफ इंडिया। लाइक अगर इफ आई हैव टू गो टू एनी अदर कंट्री, सपोज तुमको किसी और कंट्री जाना है, तो क्या तुम पहले उस कंट्री का पूरा लॉ पढ़ोगे जितने भी उसके लॉज हैं? तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ही इज सेइंग दैट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू नो ऑल द लॉज ऑफ इंडिया, हाउ कैन आई नो ऑल द लॉज ऑफ इंडिया, एंड स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग एनी एक्ट विच इज नॉट एन ऑफेंस इन माई कंट्री, विच इज परफेक्टली वैलिड एक्ट इन माई कंट्री, विच इज परफेक्टली वैलिड थिंग इन माई कंट्री, एंड इट इज ऑफेंस इन इंडिया, सो आई वॉज नॉट अवेयर, आई एम नॉट इंडियन सिटीजन, आई हैव नॉट कम टू इंडिया फॉर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, आई जस्ट केम फॉर 3 डेज और 4 डेज, आई एम नॉट नोइंग द लॉ ऑफ इंडिया, सो आई शुड नॉट बी पनिश्ड। नाउ वॉट विल हैपन इन दिस केस? सो इन दिस केस ऑल्सो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, नॉट फॉर इंडियन सिटीजन, नॉट फॉर फॉरेनर्स, फॉर नो वन, मिस्टेक ऑफ लॉ यू कैनॉट टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, लॉ इज देयर, यू हैव टू नो द लॉ, एज सिंपल एज दैट, एंड देर इज रीजन बिहाइंड दिस। जब कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो वो इंडिया के लॉ को का प्रोटेक्शन उसको मिलता है, अगर वो इंडिया में आता है और अगर उसके अगेंस्ट किसी ने क्राइम कर दिया, उसका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, तो पुलिस एक्शन लेती है, अगर उसके साथ कोई ऑफेंस कोई इंडिया का के अंदर होता है, तो जो इंसान उस फॉरेनर के अगेंस्ट ऑफेंस करता है उस इंसान के अगेंस्ट FIR होता है, प्रोसीडिंग्स होता है, उसको इम्प्रिजनमेंट होता है, कन्विक्शन होता है अगर वो गिल्टी है तो। तो जब वो इंडिया के अंदर आके इंडिया के लॉ का बेनिफिट ले रहा है, तो इट इज ऑल्सो हिज ड्यूटी टू फॉलो इंडियन लॉ बिकॉज ही इज इन इंडिया, इन दिस इज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो वेन ही इज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया ही हैज टू फॉलो द लॉज ऑफ इंडिया, ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड इफ ही इज नॉट फॉलोइंग द लॉ देन ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट, सो ही कैनॉट से दैट आई डू नॉट नो द लॉ। नाउ आई थिंक दैट यू माइट हैव दिस कंफ्यूजन इन योर माइंड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ इंडिया में ऑफेंस है और कहीं और ऑफेंस नहीं है, या कहीं और ऑफेंस नहीं है किसी और कंट्री में और इंडिया में ऑफेंस है। तो अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपल, ऐसा हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट्स परफेक्टली पॉसिबल कि कोई पर्टिकुलर एक्ट किसी और कंट्री में ऑफेंस ना हो, इंडिया में ऑफेंस हो, या कोई ऐसा काम जो इंडिया में ऑफेंस ना हो बट कहीं और ऑफेंस हो, इट्स परफेक्टली पॉसिबल टू हैपन। नॉट ओनली इंडिया और अदर कंट्रीज, इवन विद इन इंडिया भी बहुत सारी चीज़ है। ए सिंपल एग्जांपल इज देयर, बिहार के अंदर यू कैनॉट कंज्यूम लीकर, लीकर प्रोहिबिशन है बिहार में, पोजेशन ऑफ लीकर और ड्रिंकिंग ऑफ लीकर, इट्स नॉट अलाउड, इट्स पनिशेबल ऑफेंस इन बिहार। बट आप और स्टेट चले जाओ, आप बगल में उत्तर प्रदेश जाओ, गो टू झारखंड, इट्स नॉट पनिशेबल, नहीं रोका है लॉ ने। तो यहां तक कि एक कंट्री के अंदर ही एक स्टेट और दूसरे स्टेट के लॉ के बीच में देयर कैन बी डिफरेंस, सो जस्ट थिंक दैट हाउ मच डिफरेंस कैन बी देयर बिटवीन टू लीगल सिस्टम व्हेन द बोथ द कंट्रीज आर डिफरेंट,
कंट्रीज आर डिफरेंट, लीगल सिस्टम दे आर फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट, सो एवरी मैकेनिज्म कैन बी डिफरेंट. सो देर आर वेरियस ऑफेंस, देर आर वेरियस एक्ट्स विच आर परफेक्टली फाइन इन एनी अदर कंट्री विच विल बी ऑफेंस इन इंडिया. But if any foreigner has committed that act, then he cannot say that this particular act is not an offense in my country. हाँ, उसके country में वो offense नहीं है, वो innocent act है, valid act है. तो वो अपने country में जाके वो act करे. India की territory में he cannot violate India का law. अगर वो India की territory में India का law violate करेगा, तो then he is going to be punished for that, no matter what. And if you are any Indian citizen, then also you will be punished. You cannot take this idea कि I do not know the law. You have to know the law and it is presumed that you know law. So you have to know it, as simple as that. So mistake of law is not excused. Now let us see mistake of fact. So when I started this topic, I told you that mistake of fact is an excuse. I told you that mistake of fact is an excuse. Mistake of law or ignorance of law is not excused, but ignorance of fact or mistake of fact, whatever you call it, is an excuse. Now what is mistake of fact? So mistake of law, I gave you a definition that a mistake of law occurs when a person having full knowledge of facts come to wrong conclusion as to their legal effect. Now what do we mean by mistake of fact? So a mistake which takes place when some fact which really exists is unknown, or some fact is supposed to exist which really does not exist. मतलब complicated है, but बहुत simple सा इसका मतलब है definition का, कि mistake of fact तब होता है जब कुछ ऐसे facts होते हैं जो सच में exist करते हैं, जिसके बारे में उस इंसान को मालूम ही नहीं होता है कि ऐसे facts exist कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उसको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सच में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बेसिकली जो सराउंडिंग सिचुएशन है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज हैं, उसको आप गलत समझ जाते हैं इनोसेंटली, बिना आपके बैड इंटेंशन के. यू मिसअंडरस्टैंड द फैक्ट्स, यू हैव द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग सिचुएशन, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज एंड सराउंडिंग फैक्ट्स. So mistake of fact can take place when some fact which really exists is unknown, or some fact is supposed to exist which really does not exist. तो या तो आपको लगता है कि ये particular fact exist करता है जो exist ही नहीं करता है, या आपको लगता है ये fact exist नहीं करता है जो सच्चाई में reality में exist करता है. That is the idea of mistake of fact. Now what happens कि mistake of fact में अगर आप काम आप मिस्टेक हुआ है, फैक्ट का मिस्टेक है, आप सिचुएशन को गलत समझ गए इनोसेंटली, सर्कमस्टेंसेज को आप गलत रीड कर गए, तो वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट बी देयर इन गुड फेथ. आपको ये आपका ड्यू केयर एंड कॉशन होना चाहिए, और आप मिस इंटरप्रेट कर गए फैक्ट्स को. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आई विल गिव यू टू एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड दिस, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल. बट तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विथ example. So I told you mistake of fact mein there must be good faith hona chahiye, aur aap you must know that, you must think that you are bound by law, and there is misinterpretation of facts innocently, that is mistake of fact. Now how it happens, I will give you two example. Suppose ek insaan hai, do insaan hai, there are two friends which are, they are sitting, dono ke paas laptop hai, both the laptops are very similar in like कलर, और दे लुक वेरी सिमिलर, बट जो दोनों लैपटॉप है उनका ब्रांड अलग है, क्वालिटी अलग है. एक लैपटॉप काफ़ी महंगा है, दूसरा लैपटॉप कॉम्पेरेटिवली इज नॉट दैट कॉस्टली. नाउ बोथ द लैपटॉप लुक सिमिलर, तो दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, दोनों बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं. थोड़ी देर बाद क्या होता है, ए बी का लैपटॉप लेके चला जाता है, बी का लैपटॉप महंगा था, ए का लैपटॉप कॉम्पेरेटिवली उतना महंगा नहीं था, बट देखने में दोनों बिल्कुल सिमिलर थे, आप देख के नहीं समझ सकते थे कि किसका लैपटॉप कौन है. तो एक गलती से बी का लैपटॉप उठा के चला जाता है. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन, कि अगर ऐसे आप किसी का लैपटॉप उठा के चले जाएंगे तो ये चोरी है. व्हेन वी विल डू 378 IPC देन यू विल नो कि चोरी क्या होता है, हाउ थेफ्ट हैपन्स, व्हाट आर द ingredients of theft. We will do it when we will do the topic of theft. But at this juncture, I can tell you that it is theft. अगर आप ऐसे किसी का laptop उठा के चले जाओ तो ये चोरी है. But यहाँ पे वो गलती से उसको fact को misinterpret कर गया. उसको ये लगा कि ये जो laptop B का laptop है वो मेरा laptop है. A को लगा कि this laptop जो reality में B का laptop था
बट ए थॉट दैट दिस लैपटॉप इज नॉट बीज लैपटॉप बट दिस लैपटॉप बिलोंग टू ए, और इसलिए ए गलती से उसको लेके चला गया। अब अगर यहाँ पे ए ये बोलता कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ लॉ, आई डोंट नो कि कोई थेफ्ट नाम का सेक्शन है, आई डोंट नो कि थेफ्ट पनिशेबल है, आई डोंट नो कि किसी और का लैपटॉप लेके चले जाना ऑफेंस भी होता है, तो क्या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा? तो यू नो कि नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको लॉ जानना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आई डू नॉट नो द लॉ, यू आर सपोज टू नो द लॉ, इट इज प्रिज्यूम दैट यू नो द लॉ, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। लॉ इज देयर एंड यू हैव टू नो द लॉ, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव अबाउट दैट। बट एट द सेम टाइम इफ यू सी इन अदर केस, यहाँ पे वो मिस्टेक ऑफ लॉ को क्लेम नहीं कर रहा है, वॉट ही इज क्लेमिंग इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है दैट इज वैलिड डिफेंस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगा विद दिस एग्जाम्पल। सपोज एक इंसान है जिसका नाम ए है, ही गोस्ट उसके घर पे एक डॉग है, पेट है, पेट डॉग है जिसको उसने रखा है। वो जो डॉग है वो कई बारी घर से बाहर निकल जाता है खुद से ही, सपोज ही इज द आइडिया, ही इज द हैबिट ऑफ रनिंग फ्रॉम द होम, तो वो घर से कई बारी बाहर भाग जाता है वो डॉग। तो एक इंसान है ए नाम का, वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक पार्क में जाता है। वो अकेले गया था पार्क में, जब वो पार्क में जाता है तो वो एक डॉग को देखता है, जो डॉग उसको लगता है कि वो ए का ही डॉग है, और बिकॉज ए का डॉग बार बार घर से भाग जाता था तो उसको लगा कि ये मेरा ही डॉग है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल वैसा ही सेम था। नाउ वो करता क्या है कि उस डॉग को, क्योंकि वो उसका कलर सेम था, हाइट वो उसका वेट सेम था, ब्रीड सपोज सेम था, तो ही जस्ट थॉट कि दिस इज माई डॉग। नाउ ही टुक इट और घर पे लाता है उस डॉग को। जब वो घर पे लाता है अपने डॉग को तो देखता है कि जो ए का डॉग रियल में है, जो उसके घर पे ही बैठा हुआ है, मतलब ए ने किसी और का डॉग घर पे लाया था। नाउ अगर ऐसे आप किसी का डॉग लेके चले आएंगे पार्क से अपने घर पे, तो इट इज थेफ्ट। बट यहाँ पे उसने उसने फैक्ट को मिसइंटरप्रेट कर लिया, ही जेन्युइनली थॉट कि ये मेरा डॉग है और इसलिए उसने घर पे लाया, तो यहाँ पे उसको डिफेंस मिलेगा, यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। दिस इज अबाउट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर वो ये बोलता ए कि आई डू नॉट नो कि किसी के और के डॉग को लेके घर पे आ जाना ऑफेंस है, आई डू नॉट नो कि ये ऑफेंस होता है, देन ए वुड नॉट हैव गॉट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। फिर उस केस में ए को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला था, बट इन दिस केस ही विल गेट सर्टेन प्रोटेक्शन बिकॉज इट्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो दैट्स हाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्क। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट रियली वर्क इन द ऑल सिचुएशन। तो ये डिफरेंट है मिस्टेक ऑफ लॉ से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ वी विल डू सर्टेन केस लॉज, कुछ केस लॉज देखते हैं जिससे जो कुछ आइडिया लगेगा और कि ये कैसे होता है। सो द फर्स्ट केस विच वी विल सी इज स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज खोरा घासी। सो इट्स द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा घासी। ओके, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा घासी। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, कि एक इंसान था वो अपने फार्म में ही रुकता था और वो अपने प्रोटेक्ट करता था अपने अपने क्रॉप को, क्योंकि यू नो कि क्रॉप्स आर समटाइम डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स, एनिमल्स कम एंड दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप। सो बिकॉज ऑफ दैट दे ही द फार्मर यूज टू लिव देयर एंड टू प्रिवेंट द क्रॉप। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, कि वो एक बार ऐसे ही अपने घर, वो अपने फार्म में रुका हुआ था, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो उसने देखा कि काफ़ी तेजी से किसी चीज़ के गुजरने की आवाज़ आई, तो ही थॉट कि ये कोई एनिमल है, तो उसने जोर से क्राई किया, उसने जोर से आवाज़ निकाला, ही क्राइड, क्योंकि कई बार आवाज़ सुन के जानवर भाग जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ही क्राइड सो दैट एनिमल विल मूव, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद भी एनिमल वैसे ही मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में, तो उसको लगा कि ये कोई एनिमल है। सो उसने एरो चला दिया, उसने शूट किया एरो को, जो एरो जाके उसको लगा, जब लगा तो पता चला कि ये कोई एनिमल नहीं बल्कि एक इंसान है। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, सो ही सेड कि आई इनोसेंटली थॉट, आई रीजनेबली थॉट, आई ऑनेस्टली थॉट दैट दिस इज नॉट एनी ह्यूमन बींग बट दिस इज जस्ट एनिमल, दिस इज जस्ट एनिमल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट, इस केस में कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हाँ इसको बेनिफिट मिलेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को लॉ नहीं पता है कि किसी इंसान को मारना ऑफेंस होता है, आई डू नॉट नो,
अगर वो ये बोल देता कि अरे मेरे को पता ही नहीं है कि किसी इंसान को मार देना कोई गलती भी होता है, आई डो नॉट नो, देन दिस इज नो, देन दिस इज नो नो डिफेंस एट ऑल, दिस इज नो एक्सक्यूज. बट ही इज नॉट सेइंग दिस, ही इज सेइंग समथिंग डिफरेंट. ही इज सेइंग दैट आई वॉज नॉट अवेयर दैट दिस इज नॉट अ ह्यूमन बींग बट दिस इज एन एनिमल. So here he got the benefit of mistake of fact. He was given this benefit. Now obviously he has to prove this. Just he will say ki I thought ki animal hai aur I did it aur ye iska death ho gaya. Itna sufficient nahi hai. Proceeding hota hai. I told you ki ye prove karna padega. Burden of proof aapke upar hota hai to prove these things. अगर आप बोल रहे हैं कि आप इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेटेड थे तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं आप इनसेन हैं तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा. तो अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लेना चाह रहे हैं तो ये आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा. और प्रूफ करने का मतलब बस ये नहीं होता है कि यू विल जस्ट से कि हाँ वो एनिमल आई थॉट एंड आई जस्ट उसको सूट कर दिया. इतना सफिशियंट नहीं है. देर आर प्रोसीडिंग्स, देर आर वेज टू डू इट. बट सब्सटैंशियली वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू एट दिस जंक्चर इज दैट या दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अब कैसे प्रूफ होगा वो इंसान प्रूफ करेगा. वो उसी को प्रूफ करना है. ये बर्डन उसी के ऊपर है कि प्रूफ करे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, उसने गुड फेथ में काम किया, ड्यू केयर एंड कॉशन लिया था, बाउंड बाय लॉ था, ऑल दोज थिंग्स ही हैज टू प्रूव. सो ऑब्वियसली ही विल हैव टू प्रूव. जस्ट सेइंग विल नॉट बी सफिशियंट. बट आइडियली इफ ही कैन प्रूव दिस देन ही विल गेट द डिफेंस. बट अगर वो ये बोलता कि यार मिस्टेक ऑफ लॉ है, देन नथिंग टू बी प्रूव. वॉट विल यू प्रूव? बिकॉज इट्स नॉट डिफेंस. इवन इफ यू प्रूव दैट यू डू नॉट नो द लॉ, लॉ डजंट टेक केयर. You have to know the law. So even if you prove that I do not know the law, then also there is no difference. You will be punished anyways. But यहाँ पे अगर mistake of fact था और अगर आप proof कर देते हैं कि हाँ mistake of fact exist कर रहा था and I really was not aware of the law, then you will get defense in that case. So this is important point to understand. Now we will see एक और case देखते हैं. The name of the case is Keso Sahu. Keso Sahu वर्सेस सालीग्राम. केशो साहू वर्सेस सालीग्राम. सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस कि एक इंसान एक चेक पोस्ट था जहां पे चेक पोस्ट हो रहा था, वहां से एक बुलक कार्ट गुजर रहा था. बुलक कार्ट वाज पासिंग फ्रॉम दैट प्लेस. वहां पे चेक पोस्ट था, चेकिंग हो रहा था. सो द पीपल हु आर चेकिंग दैट, द अथॉरिटीज जो वो चेक कर रही थी, उनको ये लगा कि इसके अंदर स्मगलिंग का सामान लेके जाया जा रहा है. उन्होंने उस बलक कार्ट को रोक दिया और उसको चेक किया, बट उसमें कुछ नहीं निकला. जब कुछ नहीं निकला तो उन्होंने उसे जाने दिया. अब वो जो बलक कार्ट जिसका था, उसने केस किया उनके ऊपर कि मेरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ, मेरे पास कुछ भी इलीगल नहीं था, स्टिल मेरे को रोका गया, मेरे को अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है ये वी विल रीड इन IPC. व्हेन वी विल रीड ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, देयर वी विल सी ऑल दिस टर्म्स कि व्हाट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, व्हाट इज थेफ्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. जो भी यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है वी विल डू इट. बट अभी के पर्पज के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये अभी यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है. व्हेन वी विल रीड ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, वहाँ पे वी विल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ऑल दोज थिंग्स विल कम in time, with time. But abhi what I am trying to explain is that you need to understand this ki yahan pe usne ye bola ki mera wrongful confinement hua hai, but court said that no, this is not wrongful confinement, this is just kind of mistake of fact. So there is no offense which has been done. So these two cases, I hope you understand it. If you have any doubt you can ask. So koi bhi agar doubt ho then you can ask me. So now we will see एक और केस देखते हैं. Let me erase this first. Yeah. Now let us see तीसरा केस देखते हैं. So the name of case is Ram Bahadur versus State of Odisha. Ram Bahadur. Ram Bahadur versus State of Odisha. Now what happened in this case? कि एक नेपाल का एक इंसान था, और नेपाली पर्सन वॉज देयर, जो अपने मास्टर के साथ रहता था एक ऐसे जगह पे जो एरोड्रम के पास था. वहाँ पे ये केस काफ़ी पुराना है. इट्स अ केस इज नॉट लाइक इट्स नॉट वेरी रिसेंट केस. बट उस टाइम पे एक आइडिया था वहाँ पे, वो जिस लोकेलिटी में वो लोग रहते थे वहाँ पे ऐसी अफवाह थी कि वो एरोड्रम के पास घोस्ट आते हैं, घोस्ट कम वहाँ पे. तो और वो जो इंसान था वो उस जगह पे बहुत नया था. वो जो नेपाली पर्सन था वो इज वॉज वेरी न्यू टू दैट प्लेस. और ये वहाँ पे था कि ट्यूसडे के नाइट को घोस्ट आते हैं. तो व्हाट हैपेंड कि ट्यूसडे नाइट को
वहाँ पे वो जो नेपाली पर्सन था वो, उसका मास्टर, बाकी नेबर्स, ये सब वहाँ पे चले गए जहाँ पे ये अफवाह थी कि घोस्ट आते हैं, जो र्यूमर था कि यहाँ पे घोस्ट आते हैं, दे ऑल वेंट टू दैट प्लेस। और वो वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने देखा कि कुछ 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 चीज़ गुजर रही है जो बिल्कुल लाइट है, जहाँ से लाइट आ रहा है उन चीज़ों से, वो तो दे थॉट कि ये घोस्ट है। तो वो जो पर्सन था, नेपाली पर्सन था, उसने उन उन लाइट्स को चेज किया और उनको हिट किया, जिससे उनको वो दे वर वुंडेड, उनको इंजरी हुई। पता चला कि वो नॉर्मल ह्यूमन बींग थे जो लाइट लेके कहीं जा रहे थे, बट दे थॉट कि ये घोस्ट है। इस केस में भी कोर्ट ने बोला कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, ही रियली थॉट कि वो ह्यूमन बींग नहीं है और उसने ऐसे किया, बट देवर इन रियलिटी देवर ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग थे जो लाइट लेके क्रॉस कर रहे थे। बट इस केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट को वैलिड माना गया। नाउ अगेन, जस्ट सेइंग कि आई थॉट कि ये घोस्ट है और मैंने मार दिया, इज नॉट अगेन सफिशियंट। आई टोल्ड यू, जब आई वॉज टेलिंग यू दैट स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज खोराघासी, तो सेम थिंग विल अप्लाई, यू हैव टू प्रूव इट। नाउ इफ यू आर टेकिंग दिस डिफेंस दैट देर इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज इन एग्जिस्टेंस, देन इट इज इम्पेरेटिव ऑन यू टू प्रूव इट, एंड यू इट्स बर्डन ऑन यू, इट्स बर्डन नॉट ऑन प्रोसिक्यूशन, इट्स बर्डन ऑन यू, यू हैव टू प्रूव इट। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। बट इफ यू कैन प्रूव, इफ यू कैन जस्टिफाई दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज इन एग्जिस्टेंस, देन यू विल गेट दिस डिफेंस, देन यू विल गेट दिस प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट। सो दिस इज थर्ड केस विच आई टोल्ड यू। नाउ लेट अस सी दिस केस, आई थॉट, आई थिंक वी डिड वेन वी वर डूइंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ मेंस रिया एंड एक्टस रेयस, बट लेट अस सी अगेन, आर वर्सेज प्रिंस। दिस केस आई होप वी डिड व्हेन वी वर डूइंग दैट मेंस रिया एंड एक्टस रेयस। यहाँ पे क्या हुआ कि एक इंसान था, ही इलोप्ड विथ माइनर गर्ल, ही इलोप्ड विथ माइनर गर्ल थिंकिंग दैट सी इज मेजर। इन दिस केस कोर्ट सेड दैट दिस इज नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ही हैड इंटेंशन। कोर्ट सेड दैट देर आर सर्टेन लॉज, there are certain provisions which are very important for social welfare, and there you cannot claim this idea of mistake of fact. Here court said that this is not mistake of fact, and that person is responsible for kidnapping. So this is the, and I told when I was telling that mens rea and actus reus, I told that the general rule is that actus reus and mens rea both must be there. Actus reus and mens rea both must be there, prohibited act and guilty mind must be there. But I told you that this is general rule, and there are certain exceptional cases also. In those exceptional cases, a person can be punished just for actus reus without having mens rea also. As I told you that there are certain social welfare legislations are there. There you can, or food adulteration provisions are there. There a person, any person can be punished even without having any mens rea. So those are exceptional cases which are there. So that's again important to understand. Okay. So this is fourth case. Now we will see certain provisions again. Now one more thing is there. If suppose any act of judge, when he is acting judicially, in judicial, he is discharging judicial function. So when any judge is acting judicially, he is discharging judicial functions, and he is acting in good faith, he is exercising those powers which are given to him by law in good faith, then he will not be responsible for any act which he has done. So when any judge is doing any act while discharging judicial functions which are given to him by law, and he is acting in good faith, then he will not be responsible for any act. So this is important to know. And one more thing is which we need to know, ki suppose kisi court ne order diya, kisko judgment diya kisi court ne, us judgment ko enforce karne ke liye aapko kuch step uthana hota hai. तो सपोज कोर्ट गेव एनी जजमेंट, और उस जजमेंट को इन्फोर्स करने के लिए एक नाम का एक जो ऑफिसर है वो कुछ स्टेप ले रहा है, ऑब्वियसली ही विल हैव टू टेक सर्टेन स्टेप. कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का डिक्री है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो दैट इज टू बी इन्फोर्स्ड. उसको इन्फोर्स करने के लिए ए इज टेकिंग सर्टेन स्टेप. बट बाद में अगर ये पता चलता है कि जिस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था ये जजमेंट देने का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट आई एम टेलिंग यू कि किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, अब उस जजमेंट को इन्फोर्स कराना होगा,
अब उस जजमेंट को इन्फोर्स कराना होगा, उसको इन्फोर्स सपोज ए नाम का ऑफिसर करा रहा है, बट बाद में ये पता चलता है कि जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर या जजमेंट या डिक्री दिया है उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था ये जजमेंट देने का, बट ए को ये बात पता नहीं थी, ए गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, ए वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, ए थॉट दैट द कोर्ट विच हैज गिवन दिस जजमेंट हैड द राइट, हैड द ज्यूरिसडिक्शन, हैड द पावर टू गिव दिस जजमेंट, सो ए वॉज एक्टिंग सो दैट ही कैन इन्फोर्स दैट जजमेंट, बट इट वॉज फाउंड आउट दैट पीपल केम टू नो दैट द कोर्ट डिडंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट डिडंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू गिव दैट जजमेंट. इन दैट केस यू कैनॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट ए बिकॉज ए वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, ए वॉज एक्टिंग ऑनेस्टली एंड ए जेन्युइनली थॉट दैट द कोर्ट विच गेव दिस जजमेंट हैड द ज्यूरिसडिक्शन. वो बाद में पता चला कि कोर्ट डिडंट हैव ज्यूरिसडिक्शन, तो इस केस में भी ए को प्रोटेक्शन मिलेगा. मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. नाउ वन मोर थिंग, वी विल सी वन एग्जाम्पल. जैसे सपोज कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट ने ऑर्डर किया ए को, सपोज कोर्ट ने ऑर्डर किया एक्स को टू अरेस्ट वाई, कोर्ट ऑर्डर्ड एक्स टू अरेस्ट वाई, कोर्ट ने एक्स को ऑर्डर दिया कि वाई को अरेस्ट करना है, एक्स वेंट टू अरेस्ट वाई, बट एक्स ने जेड को अरेस्ट कर लिया ये सोच के कि जेड वाई है, तो एक्स जो भी रिजनेबल केयर ले सकता था उसने लिया, जो भी वो रिजनेबल इंक्वायरी कर सकता था उसने वो रिजनेबल इंक्वायरी भी किया आफ्टर डूइंग ऑल रिजनेबल इंक्वायरी आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, बट एक्स को गलती से आफ्टर डूइंग ईच एंड एवरी इंक्वायरी आफ्टर ड्यू केयर ऑल्सो ही मिसअंडरस्टूड जेड टू बी वाई, उसको लगा कि जेड ही वाई है, तो कोर्ट ने एक्स को बोला था वाई को अरेस्ट करने के लिए, बट एक्स ने अरेस्ट कर लिया जेड को ये सोच के कि जेड इज वाई. इन दिस केस वॉट विल हैपन, एक्स अरेस्टेड जेड थिंकिंग हिम टू बी वाई, इन दिस केस ही विल गेट द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिकॉज ही हैज नॉट ही हैज एक्ट ही मिसअंडरस्टूड द फैक्ट ही मिसअंडरस्टूड द फैक्ट्स एंड ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ विथ ऑनेस्ट इंटेंशन, सो ही विल बी गिवेन प्रोटेक्शन, ही विल नॉट बी पनिश्ड, ही विल बी गिवेन दिस जनरल एक्सेप्शन जो है ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो. So, okay, so we what we have seen in this video is that we saw that what is mistake of fact, what is mistake of law. We saw that how mistake of fact is an excuse, how mistake of law is not excusable. We saw certain case laws. We understood all these concepts with the help of examples. So I hope it's clear. If you have any doubt, then you can ask it later.